अब बात करते हैं एंट्रेंस की। देखो ये थोड़ा सा सनरूफ है इसमें खुला हुआ, उसके बाद ये आ जाती है यहाँ से चलने का लाइट वगैरह। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों आपने इंडिया की बस देखी होगी, पाकिस्तान की बस देखी होगी, नेपाल की बस देखी होगी, आज मैं आपको गल्फ कंट्री की बस दिखाऊंगा। सऊदी अरब, दुबई, ओमान में जो बसें चलती हैं उनकी फैसिलिटीज़ दिखाऊंगा आपको, अंदर से बस दिखाऊंगा, और बस के अंदर रेस्ट रूम भी होता है, टॉयलेट भी होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो मेरे पीछे बस खड़ी है उसका आपको मैं एक टूर देने वाला हूँ प्रॉपर बढ़िया तरीके से, तो वीडियो आप पूरी देखना, आपको पता चलेगा सऊदी अरब दुबई की जो बसें होती है वो कैसी होती है, क्या फैसिलिटीज़ होती है और उनका किराया कितना होता है। सो चलो, फ्रंट से कुछ ऐसी होती है बस, ठीक है। ये है सऊदी अरब में बस, मक्का में अभी हूँ मैं, और ये इस तरह की बस होती है जिसमें शीशे लगे हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसका मैं आपको किराया भी बताऊंगा कितना किराया है। मैं मक्का से मदीना जा रहा हूं अभी, तो मैं आपको इसका किराया दिखाऊंगा। और बस पहले बाहर से देख लो, लगेज रखने के लिए नीचे यहां पे बॉक्स होते हैं, यहां पे लगेज रखते हैं सबका, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ बस है। और इसमें दो गेट होते हैं, एक आगे गेट है और एक पीछे गेट है, ये वाला छोटा सा गेट है, और यहाँ पे आप लगेज वगैरह रख सकते हैं। तो होता है ऑटोमेटिकली दरवाज़ा होता है ये, सो ये जो दरवाज़ा है ये है ऑटोमेटिक ये बंद होता है। और जो इसके शीशे हैं, शीशे कुछ इस तरीके होते हैं पीछे देखने के। अब बात करते हैं एंट्रेंस की। देखो ये थोड़ा सा सनरूफ है इसमें खुला हुआ, उसके बाद ये आ जाती है यहाँ से चलने का लाइट वगैरह। और ये है यहाँ पर जो ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर सीट है, एसी सीट है, और यहाँ पर सिस्टम होता है सारा। और ये देखो भाई, सनरूफ से भी दिखता है। लगेज रखने के लिए अंदर लाइट वगैरह होती है, और ऊपर ये है बस, और इस तरह की कुछ बस होती है। अब सीट की बात करें भाई, सीट में क्या क्या मिलता है यहाँ पर, तो सीट में सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट, यहाँ पे आप फोन चार्ज कर सकते हो। उसके साथ साथ कॉफ़ी वगैरह पीना चाहता है, फ़ोन चार्ज यहाँ कर सकता है, कॉफ़ी पीना चाहता है यहाँ पे गिलास रख सकता है और पी सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए यहाँ पे ट्रे दे रखी है, आराम से बैठ के खाना खा सकते हो आप। यहाँ पे कुछ किताब वगैरह रख सकते हैं। तो ये है सऊदी अरब की बसें, ऐसी मिलेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसमें आपको ये एसी, अगर आपको चाहिए हवा चाहिए एसी की, तो यहाँ पे एसी का सिस्टम है, ये आप नीचे कर दो और यहाँ से हवा आना शुरू हो जाएगी। और ये लाइट का है, आई थिंक अभी बस नहीं चली तो इसलिए नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये लाइट वगैरह है और ये एसी है। मैं दिखाता हूँ आपको एक यहाँ पर बस में जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये गेट ही हो गया नीचे का, ठीक है। अब यहाँ आ जाते, ये है टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब तो इसको मैं अगर ऐसे पुश करूँगा, पुश करने के बाद ये देख सकते हैं भाई, ये है बस के अंदर टॉयलेट, कितना साफ़ सुथरा, क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं, तो ये चीज़ है। सो ये है पूरा। दोस्तों ये था एक बस का छोटा सा टूर, सऊदी अरब की जो बसें होती है, सऊदी अरब दुबई में चलने वाली बसें कुछ ऐसी होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। मक्का से मदीना जिसका डिस्टेंस है 450 किलोमीटर, जो कि ये बस पहुँचाएगी तकरीबन 6 घंटे में। और इसका जो मैंने टिकट लिया है वो लिया है 50 रियाल का, 50 रियाल तकरीबन इंडिया के बनते हैं 1100 रुपये का टिकट है 6 घंटे के सफ़र का, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से।